जाने कितने इसके हैं रूह, एक पल जादू एक पल समझना इसको नहीं आसान, कभी आंसू कभी मुस्कान। नफ़रतों की आग में जलता रहा हूं मैं ही सदा, है मुझे अफसोस न आई मुझको जीने की अदा, जान कर अब रहूंगा मैं, जान कर अब रहूंगा मैं, जिंदगी के मायने तोड़ डालूंगा सभी मैं, बीत कल के आईने कभी आंसू कभी मुस्कान, कभी आंसू। गाँव में सब ठीक तो है ना? ठीक कहा है दीदी, बस ये समझ लो जो चीज जितनी खराब रही है उतनी ही खराब है। अरे हमदे, सरदवा की क्या हाल है? सरदवा? कौन सरदवा? हल्लिया, ये भला किया जैसे पेट के अंदर कौन है, है? अरे हमने कहा रहा ना कि हमरे बिटवा का नाम सरदवा होगा करके। अम्मा इस सरद का होत है ठंडी का मौसम, तुम्हारा छोटा भाई इंतजार की लंबी गर्मी के बाद आ रहा है इसलिए इसका नाम शरद रखे तुम्हारे पापा। अरे भैया भैया प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा हमारे तुम्हारे जैसे बड़े उम्र वाले लोगों के लिए ये है। अरे धनिया मुबारक हो, बिटवा भला आ रे, शरद तुम हमारे साथ पाठशाला आ रहे हो, हमें बहुत खुशी हुई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया का? क्यों, हम तुम्हारे साथ पाठशाला छोड़ना आ रहे? तो फिर हम तुम्हारे साथ कंचे खेलने आ रहे। क्या आप लोग ये चाहते हैं कि चंद्रू पढ़ लिख कर आगे निकल जाए और शरद अनपढ़ गवार रह जाए? नहीं नहीं। ओ, 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 आ, 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 ई, 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 ऊ, ऊ, चलो फिर से ओ, ओ, आ, 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 क्या हुआ शरद? क्या हुआ? दीदी जी हमारे पेट में दर्द है। अच्छा तुम थोड़ी देर पेट के नीचे लेट जाओ ठीक हो जाएगा। नहीं दीदी जी ये दर्द लेटने से और बढ़ता है। अच्छा तुम ठहरो मैं तुम्हें चूरन देती हूँ। नहीं हकीम चाचा ने मना किया चूरन खाने से। तो तुम क्या करना चाहते हो? हम घर जाना चाहते हैं। कमाल है शरद, पिछले दो हफ्ते से हम देख रहे हैं तुम्हें हर दिन कोई ना कोई दर्द होता है जिससे घर जाने से ही छुटकारा मिलता है। दीदी जी आपकी अम्मा है? हाँ है। क्यों? वो कभी आपके सिर पे प्यार से हाथ फेरते हैं? हाँ फेरती है, लेकिन क्यों? उस वक्त आपके सारे दुख दर्द दूर होता ना। हाँ शरद तुम एक काम करो सीधे घर जाओ। जाओ जी दीदी जी। दीदी जी मैं शरद को घर छोड़ा? कोई जरूरत नहीं, बैठ कर पढ़ाई करो। ए नहीं लगा, अरे तू लगाना लगाना शरद, तुम्हारे पेट में तो दर्द था ना, अब ये दर्द रोज हुआ करेगा। कैसे? बेवकूफ मास्टरनी जो है का? और नहीं तो का? अगर मास्टरनी बेवकूफ है तो हमें पढ़ा कैसे सकती है? पढ़ने वाले भी तो बेवकूफ है शरद। और नहीं तो का? तूने देखा ना हमने बोला हमारे पेट में दर्द है, मास्टरनी ने बोला ना चूरन दे देती हो, हमने कहा इस चूरन वूरन से कुछ नहीं होगा, हम अपने घर में जाएंगे हमारी अम्मा प्यार से हमारे सिर में हाथ फेरेगी और हमारा पेट ठीक हो जाएगा। भला सिर पे हाथ फेरने से पेट का दर्द कैसे ठीक हो सकता है? ये इतनी सी बात मास्टरनी नहीं समझ सकी। बेवकूफ बेवकूफ तो तुम हो शरद, मास्टरनी नहीं। देखो मास्टरनी का चमचा। हंसलो हंसलो, हंसने के सिवाय तुम लोग कर भी क्या सकते हो? क्यों नहीं कर सकते क्या? हम लोग कंचा खेल सकते हैं, तू खेल सकता है का? का है नहीं खेल सकता है, कंचा खेल सकता है। आजा आजा पीछे आ गया। देख वो बीच वाले कंचे पे निशाना लगा, ई कंचे से। ए नहीं लगा ना, कंचा खेलना आया था बड़ा। अब देख मैं सिखाता हूँ कंचा कैसे खेलते है। देखा लग गया ना,
ये बात मास्टर भी सिखा सकती है का? तुम नहीं समझोगे, जब हम बड़े हो जाएंगे ना, इतने बड़े कि सारी दुनिया हमें गर्दन ऊंची करके देखे, तभी तुम समझोगे मास्टर ने हमें क्या सिखा सकती है। तो इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है, हम तो का बताते हैं। अब हम तुमको देख रहे हैं ना गर्दन ऊंची करके, पर मास्टर जी का चमचा आया था कंचा खेल ले है। ए चलो खेलो, ए ए मेरा कंचा खुलेगा, बे बे चल अबे कंचा तेरा मार दूंगा। एक सिगरेट ला। अरे आपका पहले का भी पैसा बाकी है भैया। अबे लाना, अरे भाग रहे का भैया दे दो ना। होने दे, बाप का माल समझे होगा। देखो बाप तक बात करने का जरूरत नहीं, का है बगैर बाप के होगा। पैसा दो उनका चुपचाप। का है तुम कौन हो? अरे केदार भैया तनिक बताई दो इनको कि हम कौन है। अरे काहे झगड़ा करत हो, दे दो पैसा, एक पैकेट की बात है भैया। नहीं दूंगा। क्या कर लोगे? कहा कर लेंगे, कहा कर लेंगे। समझ गए कि समझाए हम कौन है? देख लूंगा बाद में। हमको जब देखिएगा तब देखिएगा। केदार भाई का पैसा भाई देना होगा। लीजिए केदार भैया तुम्हारा पैसा। धन्यवाद। एक चाय तो पिलाओ गरम। हाँ लाया लाया। तो हम बैठो। का नाम है तुम्हारा? हमारा नाम शरद है। शरद? हाँ। अरे वाह बड़ा जोरदार नाम है शरद। अरे केदार भैया। हाँ बोलो। इस शरद को हमारी तरफ से बुईठो मीठी गोली खिलाई दो। लाया लाया। गोपाल भैया अगर कोई गरीब से जबरदस्ती करा थे ना, आपको भी बुरा लगा थे। आपने बहुत अच्छा किया। अब क्या करे शरद, शहर में रहने के बाद ये गवारपन हमसे बर्दाश्त ही नहीं होता। तुम शहर में रहते हो? तुम नहीं आप। हाँ, आप शहर में रहते हो? हाँ। अरे हमारा कारोबार जो शहर में है, तो फिर गांव में रह के क्या करे भाई। आपका बहुत बड़ा कारोबार शहर में है? हाँ। बस यूँ समझो ईश्वर की कृपा है। मीठी गोली दो, मीठी गोली। हाँ मीठा है मीठा है। गोपाल भैया। ओ गोपाल भैया। हाँ आपकी चाय। अरे धन्यवाद गोपाल भैया, आपकी वजह से हमारा पैसा हमें मिल गया। क्या बात है गोपाल भैया, आज बड़े जोर मा हो। अब समझा करो ना केदार भाई। क्या समझा करो? अरे वो जो लड़का रहा ना शरद, वो हाँ। हमरा हीरोबाजी देख लिया तो। अब भाई नहीं समझे? नहीं भैया। अरे केदार भैया वो लड़का गीता का छोटा भाई है। अच्छा अच्छा बेटा शरद। हाँ अम्मा। तू आंगनवाड़ी जा रहा है? हाँ अम्मा। मन लगा के पढ़ना है? हाँ अम्मा। अम्मा हाँ आप मुझे 5 रुपए दे दो, बहुत जरूरी है। 5 रुपया? हाँ। काहे 5 रुपया का तू क्या करेगा? अब स्कूल की कापी खरीदनी है। कापी क्या करेगा, स्लेट पे लिख लेना। स्लेट पे बहुत लिख चुके, अभी कापी पे लिखना सिखा रहे हैं। सिखा रहे ना, तो उनसे ये बात भी कह दे, जब खाना मुफ्त नहीं खिला सकते तो कापी काहे नहीं दे सकते। ठीक है तो मैं यही कह दूंगा जाके। ना ना कापी कितने की आती है? 5 रुपए की। 5 रुपया? पर हम तो सिर्फ 2 रुपया दे सकते हैं। 2 रुपया? हाँ ठीक है तो मैं पतली कॉपी खरीद लूंगा। नहीं नहीं हम तुम्हें 5 रुपया देते हैं। ठीक है तू मोटी कॉपी ले ले और सुन मन लगा के पढ़ना है बेटा। हाँ ये ले जा। हाँ। तुम तो वैसे ही कहत रहो कि शरद पढ़ाई लिखाएगा, बहुत ध्यान देता है शरद अपनी पढ़ाई लिखाई का। अच्छा तब तो समझो हमारी किस्मत बदले के दिन आए गए। हाँ हम भी यही सोचे थे कि पढ़ लिखकर शरद बढ़िया सी नौकरी पर लग जाए तो
हाँ मछली पकड़े के काम है तो बहुत गंदा। अब कोनो दिन मछली ना फंसे तो समझा भूखा मरो। तुम देखना बहुत ही जल्द शरद बेटा बड़ा आदमी बनी है। हाँ। अरे हमरो भी यही सपना है। अरे पर कसो बहन आओ आओ, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। शरद की तबीयत कैसी है अब? तबीयत क्या हुआ तबीयत को? अरे वो चार दिन से आंगनवाड़ी नहीं आ रहा तो मैंने सोचा कि उसकी तबीयत खराब होगी। कहाँ कह रही हो तुम? शरद आंगनवाड़ी चार दिन से नहीं आया। नहीं तो मगर अभी तो हमसे 5 रुपया लेकर गया कॉपी खरीदने के लिए स्कूल के वास्ते। यही तो है तुम अनपढ़ माँ बापों के साथ। तुम लोगों को पता नहीं है लेकिन आंगनवाड़ी के स्कूल के लिए सरकार मुफ्त में किताबें देती है। हाँ तो फिर काहे ले गया पैसा? अरे तुम पैसे के लिए हो रही हो है? और प्रकाशो बहन बता रही है कि शरद चार दिन से आंगनवाड़ी नहीं गया। मगर वो तो रोज आंगनवाड़ी जाता है और शाम को लौटता है। इसका मतलब है वो सारा दिन आवारागर्दी करता है। सुन लिया क्या कह रही है प्रकाशो बहन? क्या कह रही है? सुन लिया काहे पैसा मांग के ले जाता रहा वो? तो इसका मतलब है कि शरद अभी तक कुछ पढ़े लिखे नहीं है। तुम घबराओ मत महुआ, सब ठीक हो जाएगा। और सुनो शरद को जरा प्यार से समझाओ। अरे क्या प्यार से समझाएंगे, क्या ठीक हो जाएगा? अब हम अपने तरीके समझाएंगे उसको, समझे कि नहीं? दोष तुम्हारा है धनिया भैया, दोष शरद का नहीं है। तुम लोग पढ़े लिखे नहीं हो, तुम लोग अनपढ़ हो, इसलिए तुम लोगों को पता नहीं चलता कि तुम्हारा बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं। दोष हमारा है, हमारा दोष है। प्रकाशो बहन अब यहाँ से जाओ अपना आंगनवाड़ी में जाओ, और हम तुम्हें हाथ जोड़ते हैं जाओ। दोष हमारा है और हम समझा लेंगे अपने तरीके से। अरे शरद यहाँ इतनी रात गए कहाँ से आवारागर्दी करके आ रहे रे? हैं? अम्मा से झूठ बोल के पैसा लेके जाता है? हैं? काहे लेके जाता है? कर लेंगे कहा कर लेंगे? समझ गए कि समझाएं हम कौन हैं? वाह 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 शरद भैया, आप तो बिल्कुल गोपाल की तरह लग रहे हैं। अच्छा अच्छा लग रहा हूँ ना? हाँ बस अब मैं जैसा चाहता था वैसा ही लग रहा हूँ। अच्छा वैसे शरद भैया आप इतने दिन से तो गांव में नहीं दिखे। अरे चंद्रू भैया जो शहर में रहते हैं वो गाँव में नहीं रहते। आप शहर में रहते हो? रहना पड़ता है। केदार भैया जी मालिक 90 नंबर का पान लगाना। हाँ मालिक। और जरा तंबाकू ज्यादा डालना। जी मालिक। अब तंबाकू भी खाते हो? शहर में रहते हैं तंबाकू खानी पड़ती है। केदार भैया आया मालिक। जल्दी आओ। मालिक ये रहा आपका पनुआ। ये रहा तुम्हारा धनुआ। धनुआ धनुआ ये इतना धनुआ क्यों क्या कम है क्या? नहीं मम ये तो ज्यादा है। मैं शरद वो रोजा दीदी तुम हो? इतना अच्छा सपना देखा था रही थे। अरे खाली पेट पर भी कोई सपना देखा थे का? खाली पेट? आहिस्ता बोल बप्पा सुन ले तो हमारे टांग तोड़ दे। अच्छा इले रोटी चुपचाप खा ले। दीदी हाँ हम रोटी कैसे खाएं? क्यों हमारा गला बहुत सूख रहा है। अच्छा इले पानी जल्दी जल्दी बप्पा हम जाते हैं रोटी खा के सो जाना।
अरे क्या बात है झपेटे भैया, सुबह सुबह हमारे घर में। देखो धनिया, इस तरह ही गाँव में ना चली। अरे कहाँ ना चली? तरह शरदवा को समझाई देना। का किया हमारे बिटवा ने? कल हमारे बिटवा की खोपड़िया फोड़ दी। तोरे बिटवा तो 5 साल बड़ा है हमारे सरदवा से, खोपड़िया कैसे फोड़ दिया हो? अरे लाठी उठा के मारे तो छोटा बड़ा क्या करे। अच्छा ठीक है, हम अपने बिटवा को समझाए दे। ठीक, समझा देना, फिर न कहना। समझा देगा बोल देना, ज्यादा गिर रहा हो छन और निकले यहां से। अरे कहां रहे सरदवा? बस अब यही कसर बाकी रह गई थी। अब सरदवा का आवारा गर्दी से गुंडा गर्दी में पहुंचा में वक्त नहीं लगा। सरदवा तो अभी पूरी तरह से जवान भी नहीं हुआ, हमका तो बहुत डर लगे है। बस तोहरा यही डर का नतीजा है। रात को हमको पीटने से मना नहीं किया होता ना, तुम पीट पीट के उसके दिमाग ठिकाने कर दिया होते। अरे सरदवा बाहर आओ, अरे बाहर आओ, हम कह रहे हैं बाहर आओ। यहाँ गाँव में गुंडागर्दी कर रहा हूँ, अरे गाँव में हमको रह दे के है कि नहीं? रह दो, रह दो। अरे बिटवा, गुड्डू की खोपड़ी लाठी से काहे मारी रे? वो गीता दीदी के रास्ते पर जबरदस्ती दुपट्टा खींचत रहे। अगर कोई हमारी बहन को ऐसा करे हम उसे जान से मार दे। देखो बचवा, स्कूल से इधर उधर खेले ना ही जाना, हम रोटी देते हैं, भूख लगे तो खाई लो। अरे अम्मा, उधर खाना मिलत है। अरे पहले तो ले जात रहा रोटी, पर पहले हम स्कूल का जाते। अरे स्कूल में तो एक ही वक्त खाना मिलत है, भूख तो कभी भी लग सकत है। हम रोटी लाते हैं। नहीं अम्मा, हमें रोटी ना चाहिए। कहो महुआ, सरदवा कहाँ भेजे की तैयारी हो रही? देखो अब गुस्सा थूक दो, हम सरदवा को समझा दिए है अच्छी तरह से, अब ये स्कूल से नहीं भागेगा। स्कूल फिस्कूल जाए की जरूरत नहीं है, ये हमारे साथ काम में जाएगा। कौनो काम पर? अरे मच्छी मारे के काम पर, कौन से काम पर? लेकिन शरद तो अभी बहुत छोटा है। कौनो छोटा नहीं है, जब हम 10 बच्चर के रहे तभी से काम पर जा रहे हैं। तो उका फायदा तो दिख ही रहा है। कहाँ दिख रहा है तुमको? यही कि जिंदगी माँ मच्छी पकड़े के सिवाय और कौनो काम आता है तुमको? अब एक मछुआरे को मछली पकड़े के सिवा दूसरा काम करने की जरूरत का है? काहे जरूरत नहीं है, जब नदिया में मच्छी नहीं मिलत तो हम लोग तो भूख से मरत है ना। देख मछुआ, तुम्हारी जुबान बहुत लंबी हो रही है, हमको गुस्सा आ गया तो 2 थप्पड़ देंगे हम। अरे कहाँ देख रहे तू है, कहाँ देख रहे तू? चल चल जाके जाल उठा और चल हमारे साथ काम पे। बड़ा स्कूल भेजे वाली बने, अबे जा ना देखत का है, जा। सरद नफरत की आग में जलता रहा हूँ मैं ही सदा, है मुझे अफसोस न आई मुझको जीने की अदा, जान कर अब रहूंगा मैं। आजा मेरा बेटा, आजा, आजा। पापा नाव चलाते हैं तो हाथ में दर्द होता है ना? दर्द कैसे नहीं होगा बिटवा, जब मेहनत करोगे तो हाथ में दर्द तो होगा ना। पापा आप नाव चलाना सीख गए का? अरे नदिया के बाहर खड़ा होके कौन नाव चलाना सीखता है का? हमारे साथ रोज मछली पकड़ने जाओगे ना तो एक न एक दिन नाव चलाना सीख जाओगे। अरे वो पाठशाला में कहाँ रखा है? देखो मछली नहीं पकड़ोगे ना तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी। पापा चंदू को तो मछली पकड़ना नहीं आता, फिर उसे रोटी कैसे मिलती है? वो का है, देखो हमसे फालतू सवाल मत करो। हाँ तुम मछली नहीं पकड़ोगे तो तुमको रोटी नहीं मिलेगी, बता देते हैं। चलो यहाँ से अब चलो। छोड़ दो हमारा हाथ, हम जा रहे। अरे हाथ है चोर को कैसे जाने दे? अच्छा तो हम चोर हैं? और नहीं तो का? क्या चुरा हमने? नहीं मालूम। नहीं नहीं मालूम। नहीं बता दे। हाँ? हमारा दिल बड़े बेशरम हो आप। लो हमारी चीज गई और हमको ही बेशरम कहा जा रहा है। बेशरम नहीं तो क्या, अब की बार हमारे लिए शहर से कुछ नहीं लाए। अरे ये कौन कह दिया तुमसे? लाए हो? हाँ। अच्छा हाँ। तो दिखाइए ना। तनिक आंखें बंद कीजिए ना। कर ले, हाथ बढ़ाइए तने।
कैसा लगा दी फट? अच्छी लगे थे ना हमारी उंगली में? अरे खुश किस्मत तो ये अंगूठी है, तुम्हारी अंगुली में आते ही देखो कैसे दमक गई है। हटो, बातें करने में बड़ा उस्ताद हो आप। अरे क्या कह रहे हैं गीता जी, हम तो तुम्हारी अखियन के शागिर्द रहे, उस्ताद तो तुम्हें ही हो। हटो जाओ, हम जा रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे? जाने दो ना, कोई देख लेगा। कोई नहीं। शरद अरे शरद कैसे हो? हम तो ठीक है, आप कैसे हैं? मजे में। और इस सुबह सुबह जाल लेकर कहाँ जा रहे हो भाई? मच्छी पकड़ने। मच्छी पकड़ने? मतलब तुम बड़े हो गए हो? लेकिन हम ऐसे बड़ा ना होना चाहते। अरे तो फिर कैसे बड़ा होना चाहते हो? आपके जैसे। हमरे जैसे? चलो तुमको गोली खिलाते हैं मीठा। नहीं 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 अभी नहीं, पापा पीछे से आ रहे हैं। पापा पीछे से आ रहे हैं? हाँ। जाओ ना पकड़ो मच्छी। हाँ हाँ हाँ। कैसे हो ललता प्रसाद? अरे का किस्मत है, कितना घुमाई के आया एक मछली नहीं मिले। अरे थोड़ा सबर करो ललता, थोड़ा सबर करो। अरे क्या सबर करे, सबर ही सबर तो करत है। अरे जो ना हमारी किस्मत में होगा वही तो मिलेगा ना, ओखरे से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आ चलो वहाँ जाके बैठेंगे, आ जा ला एठा बीड़ी पिला। देखा ललता जिन हम कह रहे हैं बहुत ध्यान से सुना, अरे हमारी तरफ देखा है, हम कभी फिकर करेगा नहीं किए ना है? वैसे जो नहीं किस्मत में होगा ना वही मिलेगा, और जो किस्मत में नहीं है वो कुछ नहीं मिलने वाला है। बैठा ही है, बैठा दिया माचिस दिया। अरे आओ आओ रामदीन भैया, का हो कैसे हो, का चल रहा आजकल? का कैसे हो, जाल लगाए के आए हैं, देखो मछली फंसत है कि नहीं। हमरी लोग तो खूब मछली है, अब तुम बुलाए थे तो हम तो छोटे भाई को बैठा के यहाँ आ गए। अच्छा किया आ गए। अरे दनिया ये है रामदीन भैया। राम राम भैया। राम 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 राम। उस दिन तुम अपनी गीता बिटिया की बात कर रहे थे ना शादी के लिए, कोनो अच्छा रिश्ता हो तो दिखाओ, तो मैंने इनको यहाँ बुला लिया, मैंने सोचा आमने सामने बात हो जाए। बहुत अच्छा किया लालता भैया। तो का इखरे छोटे भाई की बात है या बिटवा की? अरे छुटका भाई या बिटवा की बात नहीं, इनकी खुद की बात है। अभी तो इनकी उम्र ही क्या होगी, 30-35? नहीं 45। अरे हाँ वही 35। देखो मैं तो कहता हूँ हाँ कह दो, रानी बिटिया राज करेगी, रानी बना के रखेंगे ये। हाँ उन्हें नजराना लाए हो। हाँ, ले लो, लाओ एक, 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 ले लो 1000 रुपया। अरे ले लो ले लो, अरे बाकी का 4000 शादी के बखत ले लो। अरे ले लो बालारी। गीता दीदी, एक बात पूछूं? आप पूछो। गोपा कब बोलो थे? कोई सुन ले तो। अच्छा तो हम धीरे से बोलो थे। कब बोलना जरूरी है? हाँ बहुत। तो किसी और को तो नहीं बताइए? काहे हमारा क्या दिमाग खराब है, हम तुमको 4 मीठी गोलियां दिलवाएंगे। हाँ दीदी तुम बहुत किस्मत वाली हो। का वो तो का अच्छे लागत है, बहुत हीरो है हीरो। मेरे प्यारे भैया एक बात बताओ दीदी, वो तुमका शादी करना चाहते हैं? और का वो खुद ही पूछे हैं। अच्छा फिर तो तुम ऐश करोगी, सहर मारोगी। हाँ हमका ना भूल जाना। सरदो ये सब एक सपना लागत है ना, वो खुद ही तो तुमको चाहते हैं। सपना कहेगा? सपना कौन सपना की बात हो रही है? गीता दीदी की। अच्छा दीदी का देखा हो सपना माँ? अरे कुछ नहीं है बेटा, बताते हैं। बताओ तो बहुत पिटाई करेंगे तुम्हारी। चलो बाहर जाके बताते हैं। सरदुआ तुमको मोरी कसम। बस दीदी ना कसम, ये तुम्हारी बहुत बुरी आदत है दीदी। फिर कहा था हम जाकर बैठ गए बस में। हाँ और वो आया वो खाकी वर्दी वाला, कौन से बोला टिकट टिकट? हाँ
अरे हम बोले हमारा नाम नहीं सुने। क्या नाम है हमारा? गोपाल। जैसे हम बोले गोपाल फिर कहा था अरे कॉफी मंगा दी कैंपा कोला और हमसे बोले कैसे हो ठीक हूँ गप्पे लड़ा नहीं आएगा क्या आजा चलो चलो लो चाचा ऐश करो। और शरद कैसन हो? ठीक हूँ। घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। यहाँ कैसे घूम रहे हो? बस यूं ही। स्कूल नहीं गए? हम स्कूल नहीं जाते हैं। तो फिर? पापा के साथ जाल लेके काम पे जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। गोपाल भैया। हाँ। हम जिंदगी से बहुत उब गए हैं। अच्छी बात। कहे? कहे शरद? गांव में रखा का है? ये बात तो तुम बिल्कुल पते की बोले हो। गांव में रखा का है? कहाँ रखा है यहाँ? एक बात बताओ शरद, तुम कभी गांव से बाहर निकलकर देखे हो कि कहाँ है? गांव से बाहर? हाँ? नहीं। नहीं? कहाँ बात करते हो? चलो आज हम तुम्हारे गोपाल भैया तुमको बारा बंकी घुमा कर लाएंगे। बारा बंकी? हाँ? कितनी दूर है यहाँ से? अरे हम है ना, फिर चिंता काहे करते हो। चलो फेंको इसे, पकड़ो। ऐसे तो है ना? नहीं नहीं। अच्छा गीता दीदी कैसी है? ओ ठीक है ना। न जाने कितने इसके है रूह, एक पल जादू एक पल दूर, समझना इसको नहीं आसान, कभी आंसू आग में जलता रहा हूँ मैं ही सदा, है मुझे अफसोस न आई मुझको जीने की अदा, जान कर अब रहूंगा मैं।